आशीर्वाद बाबा पर इसका है। इनको देखकर हम जैसों को प्रेरणा मिलती है कि बाबा तेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोले श्याम प्यारे की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभु कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरो मां शारदा। मेरे कंठ करो नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर। नमो नमो गुरुदेव की जिन्हिया भजन। लाल देह लाली लसे हरिधर लाल लंगूर बच जय दानो दलहन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपय आकाश इन सबसे बढ़कर तपय सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जय 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 श्री श्याम विनय करो कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हारे के सहारे की। देखिए एक निवेदन करूंगा, अगर कीर्तन करवाना तो उन बच्चों को थोड़ा सा दिल से बुद्ध का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन जब बाबा की यात्रा फाइनल हुई, हालांकि रेखी पर मैं नहीं आया था आसनसोल तक, इन्होंने मुझे बताया कि बुद्ध एक पड़ाव रखा गया है। मैंने सुना कि दुर्गापुर सुना, बेनिया चट्टी सुना, रानीगंज सुना, आसनसोल सुना, बर्दवान, मगरा, मेमारी सब सुना, बुद्ध कभी नहीं सुना था। लेकिन दिल से बताता हूँ प्रेमियों, सच्ची भावना से, जब यहाँ पर दरबार में एंट्री किया तो एक करंट दौड़ रहा था। सिर्फ और सिर्फ बाबा के शीश के इर्द गिर्द जो करंट है ना, वो कसम से पूरे हिंदुस्तान में इतने कीर्तनों में जाते हैं, लेकिन साल में कोई एकाध दो चार जगह ऐसा करंट महसूस हुआ। आपसे निवेदन, इस करंट की लाज रखना। आज का कीर्तन एक अलग तरह का कीर्तन है। बाबा खाटू से कलकत्ता आए और फिर कलकत्ता से वापस खाटू जा रहे हैं। बीच में आपने बाबा को आह्वान किया कि बाबा हमारे यहां भी आओ, तो बाबा आपके पास भी आए हुए हैं। ज्यादा नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा, क्योंकि कभी चलने की आदत नहीं है और बाबा चला रहे हैं। सुबह से निकलते हैं, दिन भर चलते चलते यहां पहुंचते हैं, हिम्मत नहीं होती, लेकिन बाबा का काम है और बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं। आकर खड़े हो गए, आगे इनकी मर्जी है। मैं निवेदन करूंगा, दिल से मेरे साथ गाना प्रेमी हो, मेरे लिए नहीं, मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक लाइन गाओगे बाबा सुनेगा, और जिसकी बाबा सुन ले उसको फिर कहीं और सुनाने की दरकार पड़ती है नहीं पड़ती। श्याम का दरबार बड़ा साचा दरबार है। आप लोग में से कौन कौन ऐसा है जो खाटू गए हैं? लग रहा है 50% अभी भी बाकी है खाटू जाना। जो कभी खाटू नहीं गए वो एक बार हाथ उठाओ, जो कभी खाटू नहीं गए। शर्म मत कर, उठाओ जो खाटू नहीं गए। मैं तो इतना ही कहूंगा प्रेमियों, जिंदगी में आपने बहुत कुछ पाया होगा, जिंदगी में आपने बहुत कुछ पाया होगा, अगर खाटू नहीं गए तो समझ लीजिए कुछ नहीं पाया। ये बंदा जो बैठा है ना आपके सामने में, हर दूसरी बात पर इनकी आंख छलकती है। पता है क्यों? क्योंकि कृपा किसे कहते हैं इन्होंने महसूस किया है। शाम क्या है महसूस किया है, और जो शाम को महसूस करते हैं उनकी आंखें छलक जाती है। इसलिए आइए, जो कभी खाटू नहीं गए उनसे एक ही बात कहूंगा कि खाटू जरूर जाना। एक बार चले जाओगे ना तो कभी कभी 10 दिन 15 दिन की छुट्टी मिलेगी ना, घरवाला बोलेगा कश्मीर चले, सिंगापुर चले, बैंकॉक चले, आप बोलोगे नहीं खाटू चले। ये सच्चाई है। ये बात किसी ने किसी दुखियारे से कही। एक बहुत परेशान आदमी था, किसी श्याम प्रेमी ने उसे कह दिया कि तू खाटू चला जा, तेरे सारे गम खुशी में बदल जाएंगे। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। उसने दावा किया कि वहां से खाली हाथ नहीं आएगा। वो खाटू चला गया। सारी दुनिया से हार चुका था, हर रिश्ते टूट चुके थे, और वहां जाकर उसने गुहार लगाई। और आइए क्या पुकार लगाई, मतलब कि बड़ी दूर से आया हूँ सामने कहने दिल की बात, लाज रखो मेरे शाम। बड़ी दूर से आया हूँ सामने कहने दिल की बात, लाज रखो मेरे शाम। मैं कहना चाह रहे हैं बाबा से, एक बार पूरे हाथ उठा लेना, बिल्कुल पूरे हाथ उठा लेना, आधे हाथ उठा लेना, जोरदार तालियां बजा के हमारे साथी श्याम कला भवन के अपने खाटू में जिनका गांव श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का बाबा के अनन्य भक्त साथ साथ निशान लेकर पैदल चल रहे हैं। खाटू से कलकत्ता आए बाबा को लेकर और अब बाबा के साथ साथ कलकत्ता से खाटू पैदल चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और जब उस भगत को बिलखता देखा तो किसी श्याम प्रेमी ने कंधे पर हाथ रखा कर कहा, और हाथ रखकर कहा, सांवरिया सांवरिया। जद कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सांवरियो काम बनावे गो। जब कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सांवरियो। जब सब जगह से हार जाओ ना, सारी दुनिया को परख लेना, सारे रिश्तेदारों को परख लेना, और जब सब जगह से ना मिल जाए ना, तब इसके सामने खड़े होकर दोनों भुजाओं को उठा लेना और कह देना, बाबा अब मैं हार गया, अब मैं हारा और तू हारेगा, मैं हारा तू हारेगा, मैं हारा तू हारेगा, और फिर देखना क्या होगा। पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर सांवरिया जब हम लोग अपने पहले जब पड़ाव से सुबह सुबह निकल रहे थे, तालियां बजा, एक बंदा मेरे पास आया, कहा भैया बाबा बहुत दयालु है। मैंने इसमें कोई शक छोड़ी। उसने कहा भैया मैं तो बाबा को भी नहीं जानता था, 5000 की नौकरी करता था, कोलू के बैल की तरफ पिलना पड़ता था, कहीं से श्याम बाबा का भजन सुन लिया, मैं कीर्तन में चला गया और कीर्तन में बाबा को तालियां बजाकर भजन सुनाया। उसके बाद बाबा ने मुझे खाटू बुला लिया और खाटू जाकर आने के बाद बाबा ने नौकरी छुड़वा दी। आज लाख रुपए महीना आराम से कमाता हूँ और किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती। जब चाहे जहाँ मर्जी होती है जाता हूँ, जब कहीं कीर्तन का पता चलता है मैं कीर्तन में पहुँच जाता हूँ, बाबा का गुणगान करता हूँ और 20 गुना मेरी आमदनी बाबा ने बढ़ा दी। जो नौजवान बैठे हैं ना 20 साल 25 साल 30 साल उनको मैं दावा करता हूं प्रेमी, नौकरी करते हो करो, लेकिन घर से निकलते समय एक भजन बाबा को सुनाकर नौकरी पे जाना आपको भी मालिक बना देगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको। श्याम जितावे हारी बाजी, शाम को सिर्फ देने की मशीन मत समझो। आपको पता चल गया कि बाबा हारे का सहारा है। आपने जाकर डिमांड कर दी तो वहीं पर आप फंस गए। इसके दरबार में जाकर जो मांगता है उसको ये व्यापारी समझता है। और इसके दरबार में जाकर जब शीश झुकाकर कहता है बाबा मैं तेरा और तू मेरा, उसे अपना बना लेता है। देरी भले ही हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन इसके दरबार में जाकर इसको बोलने की दरकार नहीं है। मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं अपनी बीवी जानता। जब मुझे पहली बार बुलाया था, सुबह और शाम का ठिकाना नहीं था खाने का, लेकिन पहली बार मैं ऐसा हाथ पकड़ा 32 साल के अंदर में कई तिथियां बदली, कई ग्रह बदले, कई नक्षत्र बदले, लेकिन 32 साल में कभी भी सीढ़ी नीचे नहीं उतरने दिया बाबा ने, हमेशा ऐसे ऊपर सीढ़ी चढ़ा कर। इसके पास जाकर इसका बनने की कोशिश कर। जब ये आपका बन जाएगा ना, तो ये वो रिश्ता नहीं रखता है जो दुनिया रिश्ता रखती है। ये जिससे रिश्ता बना लेता है ना, एक जन्म नहीं अगले 7 जन्म का कॉल करता है उससे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी इंसान को देखो ना। मुझे नहीं मालूम ये बात बोलना चाहिए, जितनी बड़ी मार इन्होंने सही है उससे बड़ी मार शायद कोई नहीं सकता। जिसके आंखों के सामने जिसका जिगर का टुकड़ा चला जाए, उसके बाद में वो श्याम को दिल से रिझा रहा है। मैं समझता हूँ यही श्याम से सच्चा प्यार है। प्यार करो तो ऐसा करो, प्यार में नफा नुकसान नहीं देखना कि मैंने तेरा नाम लिया और मेरा नुकसान हो गया बाबा, अब मैं किसी और दरवाजे चला जाऊंगा। नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, मेरे कर्म के कारण ये मेरे से गलती हुई। आपका साथ है ना, बस इतना ही काफी। लगी हो सवरियो निश्चित आवे गो, तू शाम कर ले आँख बीच विश्वा, सवरियो निश्चित आवे गो, सवरियो 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 आडे आवे गो, सवरियो आडे आवे गो। सवरियो काम बनावे हारे के बोलिए लखदा तार की। प्रेमियों कभी भी घर से निकलो ना, दाहिना पांव बाहर निकाल कर एक जयकार लगाकर हारे के सहारे की। और कभी भी घर से कोई ऐसी डील करने जा रहे हो कि आपको लगे कि आज हारना निश्चित है, कोई केस में जा रहे हो हारना निश्चित है। शाम के दरबार में शाम का तिलक माथे पर लगाकर जाओ, और तिलक लगाते समय माथे पर तिलक लगाकर कहना बाबा ये तिलक मैं आपको बसा रहा हूँ, ये मैं तिलक नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं अपने माथे पर आपको विराजमान कर रहा हूँ। सामने वाले से बात करना आपका काम है, फिर देखना सामने वाला कितनी बड़ी भी तोप क्यों न हो, उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। सच्चाई है। बोलिए लखदा तार की। एक भजन और, उसके बाद आखिर में किसी भक्त ने ना जाने कहां से टेलीफोन करके कहा कि एक अर्जी लगानी है, एक अर्ज लगा दो। बाबा के दरबार में। मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मेरी अर्जी, मुझे विश्वास है कि भजन के माध्यम से लगाओगे तो वो अर्जी रथ के ऊपर जो परचम लहरा रहा है उसमें जाकर टकराएगी, और जब तक खाटू पहुंचेगी तब तक वो मेरी अर्जी लहराती रहेगी, और जब बाबा के धाम पहुंचूंगा तो बाबा को सुनाई होगी। हेलो हेल 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 पहली बार को गया, बाबा से कहा बाबा बड़ी दूर से आया हूं, सामने कहने दिल की बात। उसे कोई श्याम प्रेमी मिल गया मंदिर में और विश्वास दिला दिया कि पगले तू क्यों घबराता है, सांवरिया आएगा और तेरा काम बनाएगा। उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि चंद दिनों के अंदर में उसके भाव बदल गए, उसकी कथनी बदल गई, और अब वो दुनिया में किसी भी से भी मिलता है तो दुनिया में कोई भी परेशान आदमी देखता है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर यही बात कहता है, सुनना प्रेमी मिलकर कहता है। जब जब मेरा मन घबराता मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, जब जब मेरा मन घबराता मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अपनों को नाम सुहाता मैं उन पे बोझ बन जाता, अपनों को नाम सुहाता मैं उन पे बोझ बन जाता। तो क्या होता है, पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे पूरे, देखो ये मत सोचना कि मैं अपनी टीआरपी के लिए हाथ उठा रहा हूँ। आप हाथ उठा रहे हो, आपका हाथ पकड़ेगा, मेरा नहीं पकड़ेगा, और कसम खाटू वाले के पकड़ेगा। पूरे हाथों से जोर से तालियां बजाकर बोलना, क्या ये आता है। जिन्होंने कहा था ना कि हम खाटू नहीं गए, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, पहली बार जाकर आना और फिर देखना क्या होता। जिसको ना हो भरोसा वो करके भरोसा दे, करके भरोसा दे, उसकी नाव न डूबे उसे श्याम ही आकर के दे, उसकी नाव सुलझती चट्टान किनारे लगती, हर उलझी गांठ सुलझती, फिर बात कभी न बिगड़ती, बिगड़ी किस्मत भी संवरती, फिर बात कभी न बिगड़ती, बिगड़ी किस्मत भी संवरती। आता इनकी शरण में हो जा, इनको दैया इनकी शरण में हो जा। आनंद ऐसा आएगा तू कभी न भरमाएगा, आनंद ऐसा आएगा तू कभी न भरमाएगा, आकर के शाम की मस्ती तू झूम झूम गाएगा, आकर के शाम की मस्ती तू झूम गाएगा। आता एक पुष्प और मेरी तरफ से आज एक अरदास, लेकिन इस अरदास को जिसने भी गाया उसका काम करना है। अब भी गाइए, किसी भगत के लिए अर्जी है, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके दिल से अगर अर्जी निकल गई ना तो आपका भी काम निश्चित बनेगा, 100% बनेगा। बोल श्याम हाँ। बहुत बहुत आभार आप सभी श्याम भक्तों का। श्री श्याम कला भवन परिवार की तरफ से श्री श्याम कला भवन। अच्छा आइए सब हेल 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 कलाई पकड़ ले पकड़ कान कोई पकड़ कान कोई कलाई आप बोलोगे तो आपकी कलाई पकड़ेगा, मेरी नहीं पकड़ेगा। तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई, तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई, मेरी आँख रोई। कलाई कल जब सुबह निकलेंगे यहाँ से इन तालियों की आवाज बाबा को सुनाई पड़ेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर मैं जिंदा पहुंच गया बाबा के दरबार में, मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी पहले लगाऊंगा। वादा करता हूँ। मैं हाथ उठा लेना, अभी तक नहीं उठाया उठा लेना, नीचे बनकर मैं तालियां बजाकर, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए जोरदार आवाज में तालियां बजाकर कहना क्या बुद्ध के समस्त श्याम प्रेमियों का। श्री श्याम कला भवन मैं निवेदन करूंगा राजू भैया से एक बार दरबार में बुलाने। श्री श्याम कला, हाँ, अभी कीर्तन होगा, अभी कीर्तन होगा। श्री श्याम कला भवन परिवार की तरफ से मैं निवेदन करूंगा हमारे दिलीप भैया से कि दिलीप भैया राजू भैया को ये एक कला भवन परिवार की तरफ से पूरे बुद्ध श्याम परिवार को ये एक सॉल उठाकर और कला भवन परिवार का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान कर